नमस्कार, मैं हूं दिव्या त्यागी और आप देख रहे हैं लाइव चीनी एक्सप्रेस। प्रस्तुत है आज की खास खबरें। जालौन तहसील क्षेत्र के अंबरगढ़ मोजे में हाई टेंशन तार से निकली चिंगारी ने किसान की पकी पकाई फसल को जलाकर राख कर दिया, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग की सूचना किसानों ने दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और लेखपाल मौके पर पहुंचे। जब तक दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया, तब तक 5 किसानों की 25 बीघा फसल जलकर राख हो चुकी थी। घटना जालौन तहसील के अंतर्गत आने वाले अंबरगढ़ गांव के खेतों की है, जहां किसानों द्वारा अपनी फसल की कटाई की जा रही थी। तभी ऊपर से निकली हाई टेंशन लाइन की तारों से अचानक फॉल्ट हुआ, जिसके कारण उससे निकली चिंगारी किसानों की पकी हुई फसल पर गिर गई, जिससे गेहूं सरसों की पकी पकाई फसल जलने लगी। जिसे चलता देख किसान वहां पर दौड़े और तत्काल उसे बुझाने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे तेज हवा के कारण आग बढ़ने लगी, जिसकी सूचना तत्काल किसानों ने दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची, जहां कर्मचारियों ने आग को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की, लेकिन तब तक 15 बीघे की गेहूं सरसों की फसल जलकर राख हो चुकी थी। वहीं इस आग की सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान सिकरी राजा आलोक वर्मा के साथ इस गांव के लेखपाल मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को जली हुई फसल का सर्वे कराकर मुआवजा देने की बात भी कही। बता दें कि इस आग से अंबरगढ़ के रहने वाले भगवत सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह के खेत नंबर 223 की 1059 हेक्टर में बोई गेहूं की फसल, जबकि खेत नंबर 209 में सिकरी राजा निवासी हरिओम पुत्र बाबूलाल की 1.4 हेक्टर की कटी पड़ी मटर, लाही और सूबेदार मेहताब सिंह सिकरी राजा निवासी विजय और सुनील के खाता संख्या 204 में 0.486 हेक्टर की भूमि में खड़ी फसल जल गई। फिलहाल लेखपाल द्वारा जली फसल का निरीक्षण किया गया है। आग की सूचना हमें जैसे ही मिली, अंबरगढ़ मौजे में आग लगी हुई है, तो तुरंत मौके पे आए और फाइव ग्रेड को फ़ोन किया। फाइव ग्रेड भी आए और उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की और आग को काबू में कर लिया है। लाइट आग लगी है इससे लाइन से, जो कोच से लाइन आ रही है लाइट की, उसी से आग लगी है। और कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। लान पूरी जर्जर पड़ी है। एक्सीएन साहब को भी कहा है, लेकिन उन्होंने भी कोई नहीं दिया, इसके बारे में कोई कुछ नहीं सोचा ना कुछ कार्रवाई की। कितने बीघा फसल का नुकसान? 10 से 15 से 20 बीघे का लगभग में किसानों की, 4-5 लोगों का फसल जलकर नष्ट हो गई है, जिसमें लाई अधिकारी कोई नहीं आया, केवल फोन किया तो लेखपाल महोदय जी आए हैं। उन्होंने लिख करके नोट कर लिया है और कह रहे हैं कि वहाँ तहसील जाएंगे। हमारे यहाँ बिजली की लाइन निकली हुई, उससे हाई टेंशन तार से स्पार्किंग हुई और हमारे खेत में आग लग गई हुई। लगभग आपके यहाँ कितना खेत जला हुआ है? खड़ी फसल कैसी थी? खड़ी फसल मेरी 2.5-3 बीघा मेरा जला हुआ है, कटी हुई थी फसल, डरी हुई थी कटी हुई खेत में, गट्ठे बने डरे हुए थे। लगभग आपके मौजे में कितना हुआ नुकसान? मेरे लगभग मौजे में कम से कम 15 से 20 बीघा का नुकसान हुआ है। 15 बीघा कुछ सरसों भी भरी है, लाही इकट्ठी लगी हुई थी, कुछ खड़ी फसल भरी हुई है, कुछ कटी डरी थी फसल, कुछ भूसा भरा है, भूसा इकट्ठा लगा था, 30 से 40 क्विंटल भूसा भरा है। अभी तक कोई अधिकारी मौके पर आए हैं? अभी तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं आए हैं। 100 नंबर गाड़ी आई थी, वो कम से कम 10 खेत दूर खड़े खड़े चले गए बढ़ने के डर से। फायर ब्रिगेड आई थी, उन्होंने अच्छी मेहनत की मेरे साथ। लेखपाल साहब आए हैं, वो भी खड़े हुए हैं यहाँ पर ना। अभी तक तहसीलदार साहब कोई साहब नहीं आए, बस गाड़ी आई बुझा के चली गई, अभी भी आ गए खेत में। क्षेत्र उमरगढ़ तहसील जालौन में बिजली से आग लगी है, जिसमें 4 कृषकों के खेतों की फसलों को नुकसान हुआ है, जिसमें से 1.059 भगवत सिंह के गेहूं की फसल जली है और 0.486 हेक्टेयर गेहूं की सूबेदार आदि की फसल जली है। इस खेत को मेहताब सिंह सनो विश्वनाथ सिंह ने जोत रखा था और जोतदार को इसका नुकसान मिलना चाहिए। और हरिओम सनो बाबूलाल की लगभग 4 कुंटल लाही जलकर नष्ट हुई है और विजय कुमार परमसुख, सुनील कुमार गोधन निवासी सिकरी राजा, इनका लगभग 40 कुंटल भूसा जला है। आपने अभी तक अपने उच्चाधिकारियों को उत्तरा है इस संबंध में? अभी जा करके तहसील में इसकी रिपोर्ट देना है और जो भी शासन के निर्देश में धनराशि आएगी वो इनको दिलवाई जाएगी। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबरों का खजाना लाइव टीवी के साथ।